वॉर 2 में जूनियर एनटीआर से होगा ऋतिक रोशन का मुकाबला। ग्रीक गॉड ने दी साउथ सुपरस्टार को जन्मदिन की बधाइयां। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स को लेकर चल रही है जबरदस्त तैयारियां। साल 2019 में रिलीज हुए ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर को बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्मों में गिना जाता है। YRF के बैनर तले बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 475 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब मेकर्स ने इस फिल्म के सेकंड पार्ट की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा पठान के बाद वॉर को भी जबरदस्त तरीके से फिल्माना चाहते हैं। फिर चाहे फिल्म में एक्शन सीक्वेंस हो, शूटिंग लोकेशन हो या फिर फिल्म की कास्ट, इन सभी पॉइंट्स पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में वॉर के डायरेक्टर को भी बदलते हुए इसके डायरेक्शन की कमान अयान मुखर्जी के हाथों दी गई है। इसके अलावा खबरें हैं कि मेकर्स ने वॉर 2 में जूनियर श्रॉफ की जगह साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को फिल्म में कास्ट करने का फैसला लिया है। ऐसे में आज इस खबर पर ऋतिक रोशन ने भी एक बड़ा हिंट दे दिया है। दरअसल जूनियर एनटीआर आज अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर ऋतिक रोशन ने एनटीआर को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे तारक, आपको एक खुशी का दिन और आगे एक एक्शन से भरपूर साल के लिए शुभकामनाएं। युद्ध भूमि पर आपका इंतजार कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आपका दिन सुख और शांति से भरा रहे। कुल मिलाकर कहे तो ऋतिक के इस ट्वीट से साफ हो रहा है कि जूनियर एनटीआर वॉर 2 का हिस्सा बनने वाले हैं। साथ ही वो इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ मुकाबला करते भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि RRR के ब्लॉकबस्टर होने के बाद जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऐसे में एनटीआर का फिल्म में होना वॉर 2 के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। एक और बात जो इस बार की वॉर को खास बना रही है वो है इस फिल्म में पठान और टाइगर की जोड़ी का नजर आना। जी हाँ, वॉर 2 में शाहरुख और सलमान कैमियो करते हुए नजर आएंगे। वही ये पहला मौका होगा जब बिग स्क्रीन पर ऋतिक, सलमान और शाहरुख एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवम्बर में शुरू होने वाली है, जिसको लेकर कई तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि वॉर यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस यूनिवर्स की शुरुआत साल 2012 में सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर से हुई थी। इसके बाद 2017 में टाइगर जिंदा है, 2019 में वॉर और 2023 में शाहरुख की फिल्म पठान रिलीज हुई है। वही आने वाले दिनों में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।